हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पेंट जंक्शन पानीपत में। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मेन डोर पर फाइनल कोट कैसे किया जाता है प्यू मैट पॉलिश का। मैंने इस पर प्यू मैट का टॉप कोट किया हुआ है। ये देखिए चौखाट और जो खिड़कियां हैं, मैं दरवाजे के साथ ही वॉलनट कलर में प्यू मैट फाइनल किया हुआ है इन पर। ये देखिए इसमें हाई ग्लोस जितनी चमक नहीं होती दोस्तों। ये टॉप कोट जो है मैट लुक में होता है, इसमें जो है हल्की चमक होती है मामूली। ये देखिए मैंने ये मेन दरवाजे पर और चौखट पर प्यू पॉलिश की हुई है। वीडियो में आप मैट फिनिश देख सकते हैं कि कैसी लुक आती है फाइनल में सेमी मैट की, जिसे आप सेमी ग्लोस सेमी मैट प्यू मैट एक ही बात होती है दोस्तों। इसके बाद जो आती है वो सीधा डेड मैट होती है, उसमें मामूली भी चमक नहीं रहती, लेकिन इसके अंदर 25% चमक होती है हल्की दोस्तों। ये फ्लश डोर है दोस्तों, ये टिक प्लाई इस पर लगी हुई है फ्लश डोर के ऊपर। ये देखिए चौखाट जो है सागवान की और टिक प्लाई से बॉर्डर इसके बना हुआ था। मैंने इस पर 80 नंबर से घिसाई की थी चौखाट पर, फिर वुड फिलर से इसको रिपेयर करके ये देखिए सीलर कर रखा है। ये दोस्तों मैंने 2019 में किया था। बीच में दोस्तों जैसे लॉकडाउन भी हुआ और भी मिस्त्री लोग जो है दोस्तों साइट पर काम करते हैं, जैसे कि बिजली का, पत्थर का, टाइल का, लकड़ी का, काफ़ी काम चलते हैं दोस्तों, तो फाइनल होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है। और बीच में 3-4 महीने लॉकडाउन की वजह से भी काम रुक गया था, लेकिन मैंने लॉकडाउन के बाद इस दरवाजे को जो मेन डोर है और बाकी पॉलिश है ये सब फाइनल कर दिया है। ये देखिए लॉकडाउन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस पर मैंने 220 नंबर से घिसाई करनी शुरू कर दिया दोस्तों। जो पिक्चर में मैंने आपको दिखाया दोस्तों, उसमें मैंने एक हाथ वॉलनट कलर लगाकर जो सीलर डाला था, उसके बाद मैंने इसको चौखट की रेशो मिलाने के लिए अपने हिसाब से जो है दोस्तों कलर की सेटिंग की जाती है, उसका वीडियो भी मैं जल्दी आपके लिए ला रहा हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिसमें मैं आपको नई लकड़ी, फ्रेश लकड़ी से लेके फाइनल डोर होने तक उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप आते हैं, सब आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने इस पर 220 नंबर का रेगमाल लगा लिया दोस्तों। ये देखिए रेगमाल इस पर लगाने के बाद हमने इसे ब्रश और साफ कपड़ा थिनर का ले लेंगे, उसे इसकी अच्छे से सफाई करवा देनी है दोस्तों, क्योंकि ये सीलर की डस्ट है दोस्तों, तो इसे फाइनल में टॉप कोट के नीचे से पहले में हटा देना पड़ता है। ये देखिए कारीगर यहाँ सफाई कर रहा है इसकी। अब मैं इस पर प्यू सेमी मैट लगाऊंगा, जिसे आप प्यू मैट भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही प्यू मैट में चलता है दोस्तों। डेड मैट दरवाजों पर ज़्यादातर कोई नहीं कराता, तो ये प्यू मैट ही हम करते हैं, इसे हम प्यू मैट भी कहते हैं और सेमी मैट सेमी ग्लोस भी कहते हैं। ये देखिए इस कर मैंने एक हाथ खड़ा लगा दिया है और एक हाथ सीधा सीधा भी लगाऊंगा मैं इस पर। ऐसे ही करके मैंने इस पर 3-4 हाथ लगाए हैं प्यू मैट के। ये देखिए पहला कोट खड़ा लगाने के बाद में दूसरा कोट मैंने सीधा सीधा लगा दिया है। ये देखिए इससे दोस्तों मैट की भराई हो जाती है अच्छे से और फिनिश अच्छी आ जाती है दरवाजे पर, मेन डोर पर या चौखाट पर।
आप अपने हिसाब से स्कोर कोट लगाइएगा दोस्तों। ये देखिए, इस पर मैंने तीन चार हाथ मारे थे मैट के, प्यू मैट के मैंने तीन चार हाथ लगाए थे खिड़की और मेन डोर दोनों पर। ये देखिए, फाइनल होने के बाद इस पे ऐसी लुक आ गई है। अभी मैं आपको डिज़ाइन भी दिखाऊंगा दोस्तों। अंदर डिज़ाइन पर भी मैंने प्यू मैट ही किया हुआ है, जो कपबोर्ड की डिज़ाइन बने हुए हैं अंदर पर, सब पर टीक लगी हुई थी, टीक प्लाई। ये फ्लश डोर पर भी टीक प्लाई लगी हुई थी दोस्तों, इस पर मैंने चौखट से मैच करने के लिए इसको कलर किया हुआ है दोस्तों। ये देखिए, ये प्यू मैट हमारा फाइनल हो जो हो चुका है। फाइनल होने के बाद ये ऐसा दिखता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए दोस्तों, तभी आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और इसको शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अभी आपको मैं डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, डिज़ाइन भी मैंने इसी कलर में किया हुआ है, इस पर भी मैंने प्यू मैट ही डाली हुई है, सेमी ग्लॉस एक ही बात है दोस्तों दोनों। ये देखिए, अलमारी ऊपर सब हैंडल वैंडल लग चुके हैं। रनिंग साइट है दोस्तों, तो मिट्टी